प्रोटोन कितने भी हो प्रोटोन कितने भी हो इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए सो ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर टू बी रिप्रेजेंट हियर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एंड सो वी आर लुकिंग एट दैट इसलिए हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर और इसी का हमें ध्यान रखना है ठीक सो हियर वी कैन राइट हियर इन दिस केस नंबर वन जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है फिर दूसरा क्या हमारे पास है एच ई प्लस है जैसे हमने हीलियम ले लिया हमने तो हीलियम ले, ले लेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर हीलियम इट वुड बी हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर और चार हमारे पास दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन हो गया सो वी कैन से इसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दो में से यदि मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन रखना है तो क्या करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड सो वी कैन से एच ई प्लस वुड हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है एच ई प्लस के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा सिमिलरली लिथियम हैज थ्री इलेक्ट्रॉन तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना पड़ेगा तो इसमें तीन इलेक्ट्रॉन है दो इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा सो एल आई प्लस टू हो गया देन बेरिलियम है बेरिलियम में क्या होगा बेरिलियम में से चार इलेक्ट्रॉन है चार में से हमें तीन निकाल देना है तो फिर कितना बच गया एक एंड सो दिस इज अगेन बी प्लस थ्री इट विल बी

देन वॉट वी फाइंड वॉज अ स्पेक्ट्रम लाइक दिस यानी उसमें कुछ इस तरह से में दिखाई देता है एंड सो है लुक एट दैट पहले हम इसको देखते हैं समझने की कोशिश करते हैं देन आई अगेन टेक यूर डाउटो सो फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर दिस वन इसमें बहुत सारे लाइन्स को ऑब्जर्व किया गया जब बहुत सारे लाइन्स को ऑब्जर्व किया गया तो ये देखा गया कि इसमें बहुत सारे लाइन्स क्या होते थे हायर एनर्जी लेवल से वन पर आया था यानी हायर लेवल एनर्जी लेवल कैन बी कहाथ लेवल तो फिफ्टी से वन पे आ गया फोर्टी नाइन से वन पे आ गया फोर्टी एट से वन पे आ गया सिमिलरली ट्वेंटी से वन पे आ गया नाइनटीन से वन पे आ गया नाइन से वन पे आ गया एट से वन पे आ गया सो एनी थिंग एनी हायर लेवल टू वन पे जो आने वाली रिलेशन है वो हमने यहाँ पे लिखा है ठीक दूसरा जो हमारे पास दिखाया गया है उसमें यह है कि किसी भी हायर एनर्जी लेवल से इट इज कमिंग टू सेकेंड second excited state we can say like that this is we can say first excited state a ground level a first excited state so any high energy level to first excited state or second energy level then we have seen any high energy level to second excited state or third energy level then accordingly it is coming to fourth then it is to third then it is coming to fifth and so we have categorized them in the following way

उसको मैंने क्या नाम दिया पैश्चर नाम दिया देन फाइव हमारे पास इसी में यहां से दिया कि फाइव से स्टार्ट हुआ और फोर्थ तक पहुंच गया तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया ब्रैकेट

एमिशन स्पेक्ट्रम में भी कैसा एमिशन स्पेक्ट्रम में कोई भी हायर एनर्जी लेवल से जब वो ग्राउंड एनर्जी लेवल में आ रहा है ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, यानी तो so वो ठीक एनी लाइन रेडिएशन इज और वेन एन इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू द ग्राउंड स्टेट वेर n इक्वल टू वन

मतलब बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे कहां पर हैं वो विजिबल में नहीं है केवल बामर ही है जो कि विजिबल है ठीक तो बामर विजिबल में है और इसमें कहां पे आ रहा होता रहा होता होता है है एनर्जी 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 लेवल 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 में गिर यानी हायर टू यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो वो बामर है राइट थर्ड वन इज वॉट इन दैट केस एनी हायर एनर्जी लेवल टू थर्ड इज कॉल्ड पैशन देन इट इज एनी हाई एनर्जी लेवल टू फोर्थ इज कॉल्ड

अल्ट्रावाट की एनर्जी जो होती है वो क्या होती है सबसे ज्यादा तो मैक्सिमम एनर्जी है फिर विजिबल आ गया फिर इसके बाद नियर आई आर है आई आर आई आर फिर रीजन सो वी वी नीड टू रिमेम्बर दिस क्या हमें याद करना है इसमें कि लाइमन के लिए एन वन की वैल्यू क्या है एन टू की वैल्यू क्या है कौन से रेंज में आता है बामर के लिए एन वन एन टू की वैल्यू क्या है कौन से रेंज में आता है पैशन के लिए क्या होगा ब्रैकेट के लिए क्या होगा फंड के लिए क्या होगा हम फ्री के लिए क्या होगा सो so क्विकली आप दो तीन मिनट के लिए इसको देखो इसको एसिमिलेट करो याद करो समझो कहीं पे कोई डाउट है पूछो बेसिकली इंफॉर्मेशन है ये ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये एक एनालिटिकली क्या किया गया इसको ऑब्जर्व किया गया और इसको देख करके सोच करके किसी ने एक फॉर्मूला बनाया था क्या फॉर्मूला बनाया था दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू लुक एट बट बिफोर दैट इसको कोशिश करें आप कि इसको आपकी याद हो जाए सो ट्राई टू रिमेम्बर यहाँ पर सो जस्ट हैव अ लुक एट केयरफुली इसके रेंज को ध्यान से देखो उसकी इनिशियल फाइन और फाइनल इनिशियल लेवल को देखो और नाम क्या है वो देखो और कौन सा रेंज में आता है उसको हमें याद रखना है सो प्लीज डू दैट एक्सक्यूज मी सर हम्म सो वेन वी एनालाइज वी हैव दिस वन ये हमने इसको एनालाइज कर लिया कि ये बामर है या ये पैशन है तो देखो बच्चा यहाँ पे ये ध्यान रखना है बिल्कुल कभी नहीं भूलना आपको इस चीज को कि दिस एज जो हमने ये यह लिखा यहां पर कि बामर है विजिबल विजिबल है है एंड तो ये वाला विजिबल है, सिर्फ और सिर्फ बामर है यही अपने आप में हिंट होता है तो जैसे ही कहीं पे बोल देगा कि बामर है तो हमें क्या देखना है कि जो लोअर वैल्यू होगा एन का वो कौन सा होगा टू होगा ये हमें ध्यान रखना है ठीक है ना तो ये एक्चुअली हिंट मिलता है हमें इससे नाउ

इन वन बाय एन वन स्क्र माइनस वन बाय एन टू स्क्तिसंबर है देन जेड स्क्वायर है अटोमिक नंबर का स्क्वेयर आ गया फिर उसका फिर सारा स्क्वेयर का टर्म ही है जेड स्क्र है फिर वन बाय वन स्क्वेयर है माइनस वन बाय टू स्क्वे

में ध्यान रखना इसीलिए हम लोग लिखते हैं नाउ फ्रॉम दिस इसके बाद हम बात करेंगे और ज्यादा तो अब इससे आगे चर्चा करते हैं तो पहले अब ये बताना क्या फॉर्मूला है व्हाट इज दूला फॉर दिस वेव नंबर का क्या फॉर्मूला बना

कि सपोज जैसे मान लो कि मैंने कहा कि फोर्थ से ये फर्स्ट में आया है तो फोर यहाँ पे क्या लिखे वन बाय फोर का स्क्वायर करेंगे तो वन बाय सिक्सटीन माइनस वन कितना होगा माइनस फिफ्टीन बाय सिक्सटीन आ जाएगा ना ये वाला तो माइनस तो पॉसिबल नहीं है ठीक है शुभी आर यू गेटिंग माई पॉइंट ये कहा है। यहाँ पे कुछ भी लिखे है उससे फर्क नहीं पड़ता मतलब प्लस आए साइन या माइनस आए हमें ये ध्यान रखना है टर्म भी होना चाहिए। हमें उस तरह से लिखना है हमें ध्यान इसमें बिल्कुल माइंड में ये लोड नहीं लेना एन वन छोटा है बड़ा है कुछ भी है कोई भी वैल्यू हम डाल देते हैं यहाँ पर लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना है की जो होना चाहिए वो क्या होना, जो होना चाहिए, चाहिए। ठीक ये तभी होगा जब एन वन हमारा क्या होगा एन वन हमारा यहाँ पे छोटा होगा और एन टू बड़ा होगा ठीक मतलब सर अगर जैसे फोर्थ लेवल लेवल पे आ रहे बिल्कुल 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 ठीक है ये है नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन अब देखो यहां पर हमारे पास ये आ गया वन बाई लेमडा मिल गया मुझे अब जरा याद करो कि हमने एनर्जी को और वेवलेंथ को कैसे रिलेट किया था हाउ वॉज एनर्जी एंड वेवलेंथ रिलेटेड सर इक्वल टू एच सी बाई लेमडा एच सी बाई लेमडा तो वन बाई लेमडा ऑलरेडी मुझे मिल चुका है यदि तो मैं इसको एच सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन वन सपोज मान लो ये इक्वेशन है इसको मैंने दोनों इधर भी एच सी से मल्टीप्लाई कर दिया यहां भी HC से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास सो वी कैन हैव दिस डेल्टा मल्टीप्लाई कर दिया इंटू जेड स्क्वायर वन बाय वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर तो जब इन सारी वैल्यूज को हम लोग पुट कर देते हैं इसके अंदर ठीक यानी की वैल्यू पुट कर दिया एच की वैल्यू डाल दिया सी की वैल्यू डाल दिया सो इन दैट केस द एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी डेल्टा ई इज इक्वल टू थर्टीन पॉइंट इंटू वन बाई एन वन स्क्र माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये डेटा बच्चा ये ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये यूनिट इसका क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ध्यान रखना है हमें एक्सक्यूज मी सर बोलो

उसको उन्होंने अपने हिसाब से एक फॉर्मूला बनाया एंड द दमूला कम्स आउट टू बी आर एच इक्वल टू आर एच टाइम्स वन बाय टू एटॉमिक नंबर आर एच इज रिडवर्सेंट एन वन एन टू जहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है उसी की हमने यहां पे बात की है ठीक यस yes.

ये कन्वर्जन है फिजिक्स में पढ़ते हैं इसको कन्वर्जन को एंड सो दी कन्वर्जन इज लाइक दिस हमने लिखा यहाँ पर सो चार्ज इनटू पोटेंशियल इज कमिंग जूल तो ये इतना हो जाता है, ये अभी तुरंत में याद नहीं करना ओवर दीरियड ऑफ टाइम बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा ये तो दिस इज कमिंग आउट टू बी टू पॉइंट जूल में ये वाला टर्म आ जाता है एंड सो वी कैन राइटर डेल्टा ई इक्वल टू टू पॉइंट माइनस 18 जूल में आ गया। इलेक्ट्रॉन था, था तो कितना था वैल्यू? जब हमारे पास ये वाला ऐसे आ आ गया, तो e आ गया तो डेल्टा यहाँ पर तो तो क्या करेंगे इसमें? भी लिखना होगा पर। थर्टीन पॉइंट सिक्स था और यहाँ पर जब हमने जूल में लिख लिया तब कितना हो गया इन जूल टू पॉइंट में राइट right? दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेम्बर यहाँ से पहली बात एक बार कोशिश करो इसको याद ये दोनों फॉर्मूला को याद करने की कोशिश करो सो ट्राई टू मेमोराइज़ दीज टू वैल्यूज दी बी एस ई में अपने रिमूव करने के लिए चाहिए होता बहुत बढ़िया वी कैन सो हेर वी कैन से सो हेर इज द्वेश्चन इज डू रिमेम्बर एन एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है यानी मान लो यहाँ पर यह न्यूक्लियस था इमेजिन करते हैं हम लोग कि ये वाला हमारा न्यूक्लियस है एंड वेन आई हैव सेट दिस इज न्यूक्लियस तो ये वाला न्यूक्लियस था हमारे पास अब इस न्यूक्लियस को हमने क्या कर दिया इसी न्यूक्लियस को यहाँ पर ये सेल्स हैं सो आई से दिस इज न्यूक्लियस और ये वाले सेल्स हैं इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर क्या कि इसमें हमने ये प्लस लिखा है न्यूक्लियस के लिए और ये सेल्स हैं तो यहाँ पर यह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अब इस इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकाल के लेके भगा देना है तो भगा देने में इसीलिए हम लोग इसको एनीश एनर्जी कहते हैं एंड सो फॉर दैट यानी बेसिकली इसको भगाने में कितनी एनर्जी चाहिए उतनी ही एनर्जी सपोज जैसे मैं कहूं यहां पर कि आपने एक बॉल को पकड़ रखा है ठीक और यदि आपने बॉल को मान लेते हैं कि फोर्स है उसके ऊपर 5 न्यूटन की मैं बात करूं यहां पर तो उसको हटाने के लिए कितना फोर्स लगा? कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा यदि आपने एक बॉल को पकड़ने में मतलब पांच आपने एक बॉल पर को पकड़ने में पांच इंटर का फोर्स लगा रखा है दबा रखा है तो उसको वहां से हटाने के लिए कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा ताकि वो सर, बॉल वहां से हट six जाए सिक्स कैसे ऐसे नहीं बोलते बेटा साइंटिफिक लैंग्वेज में ऐसे नहीं कहते हैं इसमें पहले तो ये समझो आप कि जब भी हटाना है तो कम से कम पहले मुझे पांच न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा तो कि ताकि आपका हाथ जो है जो जिस फोर्स से आपने उसको पकड़ जकर रखा है वो आपका हाथ ढीला हो जाए और बिल्कुल आप उसको छोड़ दो यानी ये वो फोर्स है कि जो कि जो कम से कम जब लगाएंगे तो आप उसको छोड़ दोगे यानी आपको छोड़ना पड़ जाएगा ऐसे समझ लो आप इसको ठीक है तो एनी एनर्जी एक्सेस टू एनी एनर्जी और एनी फोर्स एक्सेस टू फाइव न्यूटन इलेक्ट्रॉन को किसने बाइंड कर रखा है इलेक्ट्रॉन क्यों है यहां पर को, कितने फोर्स से है बिल्कुल ये वही वाला फोर्स है देखो यहाँ पर याद करो एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वेर जो हमने पढ़ा था उसी की ये बात हो रही है यहाँ पर उतने के फोर्स से ये बराबर से ये बंधा हुआ है यहाँ पर एंड सो कैन से इसी फोर्स से हम लोग बाइंडेड है इसी को ओवरकम करना है एंड देर फोर जब ये बाहर निकल गया तो बाहर निकलने का मतलब क्या है वॉट इज टू बी n2 टू की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में इंफिनिटी हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया सेल से यहाँ पर इसका मतलब न्यूक्लियस के फोर्स के से बंधा हुआ नहीं है यानी अब वो कहीं भी जा सकता है उसके बाद एंड देर लिखेंगे तो क्या होता है अनडिफाइंड हम कहेंगे या फिर जीरो मान ले सकते हैं हम लोग उसको वन बाई इन्फिनिटी स्क्वायर वुड बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेट जीरो कैन वी से लाइक दैट हा एंड देयर फोर अब जब सोचो यहां पर हमने हाइड्रोजन आटम ले लिया तो जब हमने हाइड्रोजन आटम ले लिया तो क्या हो गया हाइड्रोजन एटम के लिए डेल्टा ई बराबर हाइड्रोजन के लिए जेड कितना है वन है तो वन स्क्वायर हो गया एन टू वन बाय वन स्क्वायर वन बाय वन का स्क्वायर हो गया एन टू कितना है Volt. ये कहानी क्या थी यहाँ पे देखो, यही खूबी है बच्चा यही हमें अप्रीशिएट करना यही हमें सीखना है कि, कि किसी ने किसी भी साइंटिस्ट ने एक्स वाई जेड किसी जो भी नाम रहा हो ठीक है उस नाम के व्यक्ति ने ये वाला फॉर्मूला दिया इस फॉर्मुला को हमने e से हमने ये ऐसे लिखा और आईनाइस एनर्जी में डिफाइन किया और आईनाइस एनर्जी इस सब फॉर्मूला का उपयोग करके हमने क्या कैलकुलेट कर लिया यहां से हमने एनर्जी कर लिया और जब हमने यहां से आईनाइस एनर्जी कैलकुलेट कर लिया तो फिर और जब एक्चुअल देखा गया तो वहां से भी आयनाइज एनर्जी हाइड्रोजन आइटम इतना ही आता है इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी हम लोग बात कर रहे हैं वो सही है तभी तो मैच कर रहा है कि नहीं यदि यह सही नहीं होता तो मैच करता क्या नहीं पॉसिबल था एंड सो दैट वी वी कैन कैलकुलेट हाँ तो ये वाला से हमारे पास ये रिलेशन आ गया अब यदि मैं आपसे बोलू यहां पर सो so अल्टीमेटली क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास सो वी कैन से इफेक्टिवली वी कैन से यहां पर यदि मैं एक जनरल फॉर्मूला बोलू आईन आई एस एनर्जी के लिए तो क्या बन जाएगा सो so एन आई एस एनर्जी वुड इक्वल टू थर्टीन पॉइंट सिक्स इन टू जेड स्क्वेयर बाय वन स्क्वेयर बस खत्म कहानी यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा एंड और इन जनरल हमने यदि कैलकुलेट करना है सो वी कैन यूज़ रिलेशन ऑल्सो एन वन बराबर के लिए कैलकुलेट करो कैलकुलेट आई फॉर एच ई प्लस एल आई टू प्लस बेलिडियम ट्रिपल प्लसुलेटेड लुक सो हाइड्रोजन के लिए हमने देखा यहाँ पर थर्टीन पॉइंट सिक्स हो गया

ठीक एंड नाउ फ्रॉम दैट यू कैन सी हियर हिंकी फोर्स हमने क्या कहा है जितना ज्यादा फोर्स उतना ही ज्यादा क्या होगा हमें इसमें से इलेक्ट्रॉन को हटाने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी एंड देयर फोर वी कैन कोरिलेट मोर स्ट्रॉगर दी फोर्स स्ट्रॉन्गर दी और मोर इज एनर्जी और स्ट्रोंगर फोर्स किस पर डिपेंड करेगा कि कितना न्यूक्लियस में कितना चार्ज है और कितने इलेक्ट्रॉन सब में एक ही है सो ओनली डिफरेंस इज वॉट डिफरेंस इज नंबर ऑफ प्रोटोन इसमें एक प्रोटोन था तो ज्यादा फोर्स क्यू, जो होगा, हमारे पास, बढ़ता जा रहा है वन बढ़ाते गए तो फोर्स बढ़ता गया फोर्स बढ़ता गया तो एनर्जी बढ़ती गई एंड सो एन एस एनर्जी इंक्रीजेज एज दैल्यू ऑफ जेट इज इंक्रीजिंग यस बोलो आरुष यस सर ये ए...